जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू की एक ऐसी बेटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, ना ही सिर्फ जम्मू की बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की वाहिद एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम परनीत कौर है और इसने 5 कंट्रीज में जो है वो एक बहुत बड़े कंपटीशन में जो है वो आप देख सकते हैं कि एक गोल्ड मेडल के साथ साथ सिल्वर मेडल और 2 सर्टिफिकेट्स के अलावा ट्रॉफीज भी जो है हासिल किए हैं। इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सब लोग मुबारकबाद इस बच्ची को ज़रूर दें ताकि इस बच्ची का जो है वो हौसला और बढ़े और इसी तरह से जो है वो आगे की ओर ये ना ही सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहे। बल्कि आपको बताते चले, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका के अलावा इंडिया के दरमियान ये पूरा ये कंपटीशन हुआ था, लेकिन इसमें जो है वो इस बच्ची ने जो है पाकिस्तान को भी जो है वो हराया है और इससे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो परनीत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ पर ये कंपटीशन हुआ और किस चीज़ का कंपटीशन था? ये नेपाल काठमांडू में कंपटीशन हुआ है और ये डांस, म्यूजिक और सिंगिंग एंड डांसिंग का कंपटीशन था। तो आपको मतलब ये यहाँ से सभी मेडल वगैरह ये सब वहाँ से मिले हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? नाइन्थ क्लास की। कितनी मतलब कितनी कम उम्र की छोटी बच्ची और जिसने डांस के अलावा कई सारे और भी कंपटीशन में हिस्सा लिया था और अपनी काबिलियत को जब वहाँ पर दिखाया, काबिलियत बहुत अच्छी थी और उसी के चलते आप देख सकते हैं आज सर्टिफिकेट्स बच्ची को यहाँ पर मिले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपने ये सीखा, किसने आपको ये सब इसमें जो हिस्सा लेने के लिए कहा? एक्टिंग के लिए तो मुझे मेरे मामू से इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए और साथ में डांस के लिए मैंने खुद से ही सीखा है डांस। मैं पंजाबी फोक करती हूँ और मैंने खुद से ही सीखा है। बचपन से सोचा था? हाँ, बचपन से ही किया ये डांस। तो जब आपको ये मेडल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिला तो आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने मामू को बताया था और उसके बाद बाकी सबको भी। तो यहाँ से आपके अलावा और कौन लोग, कितने बच्चे यहाँ से उन्होंने हिस्सा लिया था? जम्मू से 12 बच्चे थे और पूरे इंडिया से 110 थे। क्या बात है, तो उसमें नाम आपने रोशन किया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे कितना मुश्किल था आपके लिए क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे, पाकिस्तान के अलावा भूटान के या फिर श्रीलंका हो, लगभग 5 कंट्रीज के ये सारे वहाँ पर बच्चे पहुँचे होंगे, तो आपके लिए कितना मुश्किल था वहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाना? बहुत टफ था, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज थी साथ में। वहाँ पर हमारे इंडिया में तो टैलेंट है ही है और बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर डांस करना, एक्टिंग करना तो बहुत टफ था। बिल्कुल। तो नेपाल में ये पूरा कंपटीशन हुआ, फिलहाल इस बच्ची की माँ जी भी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आंटी जी, कैसा लगा आज आपको कि आपकी बच्ची ने जो हो ना ही सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है? सबसे पहले तो मैं जम्मू परिवर्तन को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बच्ची को अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने व्यूज़ जो भी वहाँ उसने फील किया वो जनता के साथ शेयर कर सके। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, J&K के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ इंडिया के लिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट और हमारे बीजेपुर के लिए। तो ऑलमोस्ट पूरे J&K से हमें फुल सपोर्ट, पूरा प्यार मिला है, तो इसी तरह हमें सबका आशीर्वाद चाहिए ताकि बच्ची आगे जा सके। बहुत बढ़िया जी, वाहेगुरु जी इसी तरह से अपनी कृपा जो है वो आपके पूरे परिवार के साथ साथ इस बच्ची पर बनाए रखे और इसी तरह से आपकी बच्ची तरक्की की ओर बढ़ती है। जी जी, तो आशीर्वाद चाहिए सबका, प्यार तो चाहिए। मम्मा की कितनी सपोर्ट रहती थी? मम्मा की फुल सपोर्ट रहती थी, वो मुझे नेपाल भी लेके गए, उन्होंने मेरी सभी ड्रेसेस भी स्टिच किए हैं, सब कुछ मम्मा ने पूरी सपोर्ट की है मेरी मम्मा ने। कभी डांट वगैरह पड़ी होगी यार, फोन में लगी रहती है, ऐसा कोई फोन वगैरह करते हो? हाँ, वो तो डांट रोज ही पड़ती है कि फोन में लगे रहते हो, लेकिन अब प्यार भी ढेर सारा मिल रहा होगा। हाँ, चलिए जी, बहुत बढ़िया। परनीत कौर हमारे साथ है और उनकी माँ जी भी हमारे साथ है। आपको बता दें कि परनीत कौर ने जो है वो नेपाल में एक डांसिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ और उसमें लगभग 5 कंट्रीज के बच्चों ने हिस्सा लिया था, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इंडिया के अलावा कई सारी ऐसी कंट्रीज थी, लेकिन उसमें हमारी जम्मू कश्मीर की बेटी परनीत कौर ने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। परनीत कौर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के विजयपुर इलाके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से इतनी छोटी सी बच्ची जो कि अभी 9th क्लास में है और ये इस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगी, लेकिन बहुत बढ़िया है, शानदार है। जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम इन्हें मुबारकबाद देती है, तो आप सब लोग भी कंग्रेचुलेशन जो है वो जरूर लिखें और माता रानी से वाहेगुरु के आगे यही दुआ करते हैं कि इस बच्ची की हर एक जो है वो आगे के लिए इसी तरह से जो बढ़ती रहे, आगे की ओर बढ़ती रहे और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करते रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।